दोस्तों, आपने साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ बेहद रोमांचक सीरियल पुनर्विवाह तो जरूर देखा होगा, जिसने काफी लंबे समय तक दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट किया। हालांकि इस सीरियल की कहानी तो इंटरेस्टिंग थी ही, पर उससे भी ज्यादा लाजवाब थी सीरियल की स्टार कास्ट, जिन्होंने अपने अपने अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और टीवी इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। इसीलिए तो ये स्टार कास्ट आज भी अपने इस किरदार के लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों, आज इस सीरियल को प्रसारित हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में सीरियल में नजर आने वाले कलाकार भी काफी बदल गए हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सीरियल पुनर्विवाह में काम करके मशहूर हुए कुछ चुनिंदा कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, जो समय के साथ काफी बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में। नंबर 1, दिशांक अरोड़ा। सीरियल में सहायक अभिनेता के तौर पर प्रतीक सिंधिया के किरदार में नजर आए अभिनेता दिशांक अरोड़ा ने अपने इस किरदार के जरिए खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन इन बीते 7 सालों में प्रतीक का किरदार निभाने वाले अभिनेता दिशांक अरोड़ा आज काफी बदल गए हैं और आज ये तकरीबन 34 साल के हो गए हैं, जो पहले के मुताबिक आज काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं। बता दें कि इन्होंने पहले की तरह आज भी अपना घर नहीं बसाया है और अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रह रहे हैं और लगातार अपने एक्टिंग करियर में ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिन्हें हाल ही में आए सीरियल जीजी माँ में अभिनय करते हुए देखा गया। नंबर 2, श्वेता मुंशी। इस सीरियल में सूरज प्रताप की पहली पत्नी अर्पिता सिंधिया के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री श्वेता मुंशी को इस किरदार के साथ काफी पसंद किया गया। लेकिन इन बीते सालों में अभिनेत्री श्वेता मुंशी काफी बदल गई हैं और काफी खूबसूरत नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बता दें कि श्वेता मुंशी ने साल 2015 में बंधन सीरियल के बाद किसी और सीरियल में काम नहीं किया और बिजनेसमैन रतिकांत बैरा के साथ घर बसाकर पुणे में सेटल हैं, जहां ये फिलहाल अपना खुशहाल जीवन बिता रही हैं। नंबर 3, लीना जुमानी। इस सीरियल में प्रतीक की वाइफ परिधि का किरदार निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री लीना जुमानी को आज भी इस किरदार के लिए बखूबी याद किया जाता है। लेकिन इन बीते सालों में अभिनेत्री लीना जुमानी काफी बदल गई हैं। सीरियल में सिंपल अंदाज में नजर आने वाली लीना जुमानी आज 30 साल की हो गई हैं और काफी ज्यादा हॉट और बोल्ड नजर आती हैं, जैसा कि ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। बता दें कि लीना जुमानी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड यूएस के बिजनेसमैन राहुल सचदेव के साथ एंगेजमेंट कर ली है और ये फिलहाल मुंबई में सेटल है। साथ ही इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जो वर्तमान में सीरियल कुंडली भाग्य में तनु का किरदार निभा रही हैं। नंबर 4, गुरमीत चौधरी। इस सीरियल में मुख्य कलाकार के तौर पर यश सूरज प्रताप की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपने इस किरदार के जरिए लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन इन गुजरे 7 सालों में गुरमीत चौधरी काफी बदल गए हैं और 36 साल के हो गए हैं, जो आज पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं, जैसा कि ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बता दें कि ये पहले की तरह आज भी अपनी लाइफ पार्टनर देबीना बैनर्जी के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है, जिन्हें हाल ही में आई फिल्म पलटन में अभिनय करते हुए देखा गया। नंबर 5, कृतिका सेंगर। सीरियल में यश सूरज प्रताप की दूसरी पत्नी आरती की मुख्य भूमिका में नजर आई अभिनेत्री कृतिका सेंगर ने अपनी सादगी भरे और मासूम अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और जमकर तारीफें बटोरी। लेकिन सीरियल में आरती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर इन 7 सालों में काफी बदल गई हैं और अपनी 34 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है। आज काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं और आज भी इनके फेस पर वही सिग्नेचर स्माइल बरकरार है। बता दें कि आज अभिनेत्री कृतिका सेंगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के थंगाबली कहे जाने वाले अभिनेता निकेतन धीर के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जिन्हें लास्ट टाइम सीरियल कसम तेरे प्यार की में अभिनय करते हुए देखा गया। तो दोस्तों, आपको सीरियल पुनर्विवाह में नजर आए इन चुनिंदा कलाकारों में से कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगा, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।